ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनके प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं, ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोर्स, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मेरा डेस्क शफल कर लिया था, कार्ड्स भी पिक कर लिए थे, मैं आपको कार्ड्स बताती जा रही हूँ। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं ऐसा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ जिसमें कार्ड्स आपको दिखें। वो कुछ चैनल की गाइडलाइन आई है, यूट्यूब की ओर से गाइडलाइन आई है, जिसकी वजह से मुझे फिलहाल के लिए कार्ड्स हाइड करने पड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं कार्ड्स भी आपको शो करूंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स एंड उसका क्लैरिफिकेशन है नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन कन्फ्यूज थे, उदास थे, होपलेस थे कि मेरा प्यार मेरी जिंदगी से चला गया, मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं उसे संभाल नहीं पाया। कितना बेशकीमती क्या, प्रेम की तो कीमत नहीं होती, प्रेम तो प्राइसलेस होता है, मतलब कोई की अनमोल होता है। तो ये फील कर पा रहे हैं, ये समझ गए हैं इस बात को कि इन्होंने इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है जो इनके लिए एक कोवेलेंट टू डिवाइन था, डिवाइन के रिसेम्बल था, ऐसा इन्होंने व्यक्ति खो दिया है। ये बात इनको समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अपने आप पे फोकस क्या किया, जब उदासी में गए ना, जब बाहर कहीं सुख नहीं मिला ना, दुनिया में सुख नहीं मिला, जिस जिससे उम्मीद करी, जिससे प्यार पाना चाह, उसी ने दर्द दे दिया, उसी ने चीट कर दिया, तो इन्हें ट्रू लव कहीं मिला नहीं, तो बैठ गए शांत। क्योंकि एक एक बच्चा होता है ना, भागता है कि ये मुझे गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, भागे 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 और फिर गिफ्ट कहीं नहीं मिला, तो अंत में हताश निराश होकर बैठ गए कि ये गिफ्ट मुझे नहीं मिलना, ये मेरे लिए है नहीं। फिर याद आया कि ओ माई गॉड, वो मेरे पास जो पहले था ना, वो अगर आज होता तो मैं कितना खुश होता, कितनी खुश होती। तब एहसास हुई उस, मैं गिफ्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप गिफ्ट से कहीं आगे हो, गिफ्ट कहीं भी आप से कंपेयर नहीं किया जा सकता आपको गिफ्ट से, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इन्हें समझ आया कि ईश्वर ने अनमोल उपहार मुझे दिया था और मैंने कंकड़ों को अपनी झोली में इकट्ठा करने के लिए वो कोहिनूर खो दिया। और इसी वजह से जब इन्हें ये समझ आया तो ये नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं और इन्होंने कोई स्टेप ले लिया है आपके फेवर में। ये ले चुके हैं, भले ही अभी आपको पता ना चला हो, भले ही आपको अभी 3D में यानी मटेरियल वर्ल्ड में इनका स्टेप, इनका डिसीजन आपको ना देखा हो, लेकिन उन्होंने ले लिया है। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने डिसीजन ले लिया है, लेकिन यहाँ मुझे एक्शन दिख रहा है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक्शन का कार्ड है। ये आपकी तरफ चल पड़े हैं, इनके एनर्जी जो दूसरी तरफ जा रही थी, मटेरियल वर्ल्ड की ओर जा रही थी, दूसरी चीज़ों में जा रही थी, लेकिन अब इनकी एनर्जी, अब इनकी चाहत सिर्फ आप हो, ये आपकी तरफ चल पड़े। इनकी एनर्जी, इनकी सोल आपकी तरफ इन्हें ला रही है, ये कॉल कर रहे हैं आपको। कॉल मीन इनकी सोल, आप इनकी सोल इनसे कह रही है कि उसको कॉल करो, उसकी तरफ जाओ, उसकी तरफ जाओ। तो ये चल पड़े हैं। अब चल पड़ना हो सकता है कि इन डिवाइन ने इनका प्लेस चेंज किया हो, इनका प्लेस कुछ आपकी सिटी में किया हो, आपसे आपके जॉब प्लेस से रिलेटेड कुछ किया हो, कुछ तो चेंज डिवाइन ने इनको वहां से भेजा है। क्योंकि फोर ऑफ कप्स कार्ड में भी एक डिवाइन का हैंड होता है, जिनके हाथ में एक कप होता है, तो वो इनको दिया, ये नहीं देख रहे थे, अभी तक नहीं समझ रहे थे, उदास थे, उस कप को नहीं देख पा रहे थे, इन्हें ये समझ नहीं आ पा रहा था कि आप कितने वैल्यूबल थे इनके लिए। लेकिन फाइनली डिवाइन ने इनको समझा दिया, इनको कुछ ना कुछ इनके साथ डिवाइन ने ऐसा किया है कि कहीं ना कहीं ये आपके आसपास आ चुके हैं। अब ये तो आपकी सिटी में आ चुके हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री हैं तो ये वापस आपकी कंट्री में आ चुके हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है, ये आपकी तरफ आ चुके हैं कुछ तो, क्योंकि एक्शन का कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है थ्री ऑफ वेंड्स, उसका क्लैरिफिकेशन टेन ऑफ वेंड्स एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल। कुछ फाइनेंशियली ऑब्स्टिकल्स इन्होंने फेस किए हैं, कुछ दूर का इन्होंने सोचा है, दूर का सोचने का मीनिंग है
कुछ प्लान हो सकता है आपके साथ, इनका कोई सोल पर्पज हो और इन्होंने ये सोच रखा है कि ये सोल पर्पज मैं कैसे कंप्लीट करूं। सोल पर्पज वर्ड भले ही ये ना जानते हो, लेकिन इन्होंने ये तो सोचा है कि आपके साथ मिलकर कुछ काम किया जाए। अगर आपकी मैरिज हो सकती है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। ओवरऑल मैं ये कह रही हूँ कि इनको आपकी तरफ आने के लिए क्या एनर्जी हो रही है। तो अगर नहीं भी मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस एज में नहीं हो, तो कोई काम, कोई जॉब, कोई कोई एनजीओ वगैरह कुछ ऐसा इन्होंने डिसाइड किया कि जो लॉन्ग टाइम यानी लाइफ टाइम आप इनके साथ रह सको, आप इनके टच में रह सको, आपका इनका कनेक्शन बना रहे, कुछ ऐसा इन्होंने कोई ऐसा काम, कोई प्लान इन्होंने इन्होंने कर लिया है। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि ये आपके आसपास आ चुके हैं, डिवाइन इनको आपके आसपास ला चुके हैं, भले ही अभी आपको पता ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में कौन आया हमें नहीं पता होता है। लेकिन लेकिन आप कोई आ गया है तो अगर हमारा उससे कोई कनेक्शन है, कोई कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट एक अलग कॉन्सेप्ट में, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं मेरा कहने का मीनिंग है कि डिवाइन को जिसको आपकी जिंदगी में लाना होता है, डिवाइन कब ला देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इनका आपकी तरफ आना, कुछ तो इन आपकी तरफ ही आ चुके हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है। मैं क्या बताऊँ किस तरीके से, पता नहीं क्यों मैं एक्सप्लेनेशन मेरी ऐसी डिस्टर्ब इसीलिए हो रही है क्योंकि ये आपके आसपास आ चुके हैं और इनको भी नहीं पता है। बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके पर्सन को भी ये नहीं पता है कि आप उसी जगह पे हो जहां वो आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ मुझे इतनी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कि इनको भी नहीं पता कि आप उसी जगह हो। लेकिन हो सकता है आप, इन्होंने कहीं से सुना होगा कि आप उधर कहीं गए थे। एक वो एक लाइट मेमोरी नहीं होती है किसी के बारे में कि वो पर्सन वहां कभी गया था, कब गया था पता नहीं, कहाँ गया था, एक्चुअल किस प्लेस पे गया था पता नहीं। तो वो मेमोरी हल्की फुल्की हो सकती है, हल्की फुल्की कोई न्यूज इनके पास हो सकती है कि शायद आप कभी इधर गए होंगे, आपने कभी उधर कोई काम किया होगा जिस जगह पे ये पहुंच गए हैं, जिस जगह इनको पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये डिवाइन का प्लान है, आप जहां भी हैं आपके आसपास आपके पर्सन को ला दिया गया है और उनकी मेमोरी में भी ये चीज डाल दी गई है कि कुछ तो आपसे रिलेटेड चीज उनकी मेमोरी में क्यों डाल दी गई है, ताकि वो आपके बारे में ज्यादा सोचें और वही मैनिफेस्ट हो जाए। उनके माइंड में यह है कि शायद पहले कभी आप यहाँ आए होंगे, आपने उनके बारे में, आपने उनसे उस जगह की कभी बात की हो, कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो आपके बारे में उस जगह पे जाके, जिस जगह आपके आसपास जहां ये ला दिए गए हैं, इनके माइंड में आपके थॉट डाले जा रहे हैं, उस जगह से रिलेटेड डाले जा रहे हैं कि आपके पर्सन यहाँ पे। अब वो थॉट डिवाइन की मर्जी, वो किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। ओवरऑल कुछ ऐसे थॉट डाले गए जिससे ये जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर लें उसी जगह, क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन भी जब होगा, इनके मैनिफेस्टेशन में जब आप हो गए तब यूनियन और जल्दी होता है। तो एक तो ये आपके आसपास आ चुके हैं, दूसरे इनके थॉट वैसे ही बनाए जा रहे हैं जिससे ये आपकी तरफ बढ़ सकें। और नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स और उसका क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स, दो दो नाइट आए हैं यहाँ पे। तो नाइट ऑफ कप्स इतना इमोशनल, इतना इतना लवेबल कार्ड है, और दूसरा नाइट ऑफ सोर्स यानी क्विक एक्शन। देखिए पेज ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स से आना कि पेज ऑफ कप अपना कप लेके खड़े हैं, ऑफर करेंगे आपको, कमिटमेंट देंगे, जिस तरीके का आपने कमिटमेंट चाहा होगा, भले ये भले ही छोटा सा जेस्चर हो, लेकिन कोई गिफ्ट, कोई जेस्चर आपको जरूर मिलेगा इनकी तरफ से, और वो बहुत जल्दी मिलेगा क्योंकि उसका क्लैरिफिकेशन में नाइट ऑफ सोर्स है। और ये इनके सामने अगर कोई, पहले बात तो मुझे ऑब्स्टिकल्स आते हुए दिख नहीं रहे, कोई ऑब्स्टिकल, जो भी ऑब्स्टिकल होगा उसको खत्म करेंगे, और ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं वो ऐसे हैं जिसको ये मिटा पाएंगे, क्योंकि एक तो नाइट ऑफ सोर्स है, दूसरा थ्री ऑफ वैंड्स का जो क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ सोर्स आया था, तो थोड़ा सा बर्डन बर्डन जो है वो इसी बात का है कि ये भी सोच रहे हैं कि आप इनके दिमाग से निकले क्यों नहीं। आप मतलब हर टाइम आपका दिमाग, और जब ये जिस जगह पहुंच गए, जिस नई जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ आपकी यादें इतनी ज्यादा क्यों आ रही हैं, यहाँ आप इतने ज्यादा याद क्यों आ रहे हो, ये चीजें, इस चीज का भी ये वर्णन ले रहे हैं कि आखिर क्या है इस पर्सन में, ऐसा क्या है कि ये पर्सन मेरे दिलो दिमाग से निकल नहीं रहा 24x7, और अब तो और बढ़ गया इसका आना। तो ये बैगेज है इनके ब्रेन में, और ये बैगेज तो डाला गया डिवाइन ने, बहुत डिवाइन तो जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। उसका क्लैरिफिकेशन एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये किसी जॉब पर्पज से, कोई सोर्स ऑफ इनकम की वजह से ही ये आपके आसपास लाए गए हैं। कोई सोर्स ऑफ, कोई डिवाइन मीडियम बनाते हैं ना, तो कोई जॉब, कोई बिजनेस ट्रिप होगी, कुछ भी होगा, वो मीडियम बनाया गया है इनको आपके आसपास लाने के लिए। तो ये आपके आसपास आ चुके हैं और बहुत जल्दी आपका आमना सामना होने वाला है। पेज ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन नाइट ऑफ सोर्स से आना, मतलब बहुत जल्दी आमना सामना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं आपकी यादों से। और नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ वेंड्स। सिक्स ऑफ वेंड्स मीन्स एक हॉर्स पे एक मैन बैठा हुआ है, बिल्कुल दूल्हे जैसी मुझे एनर्जी फील हो रही है,
लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, विक्ट्री का कार्ड है, तो ये आप तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे, क्योंकि अब जब डिवाइन का प्लान है, डिवाइन इनको आपके आसपास लाए हैं, तो कामयाब तो होंगे, आपका आमना सामना तो होने ही वाला है। अब यहाँ पे इसके क्लैरिफिकेशन में भी टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, उसका क्लैरिफिकेशन एट ऑफ सोर्ड्स आया है, देन द हर्मिट। ये आपकी जो विजिट हो रही है, यूनियन तो हो रहा है, आपका आमना सामना तो हो रहा है, आपकी विजिट भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे परमानेंट ये यूनियन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो आपकी विजिट हो रही है, ये विजिट इनको इनके मतलब आपके दो इन आपके इनके मिलने से, दोनों के मिलने से आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हाई लेवल पे चली जाएगी और स्पीड अप हो जाएगी। अब मुझे यहाँ एक और इंट्यूशन आ रहा है कि ये कुछ न्यू डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी हो सकती है, जो जो अभी अपने ट्विन से मिले ही नहीं है, जिनको अपनी ट्विन जर्नी का अभी पता ही नहीं है, ये उनके लिए भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है कि नहीं ऐसे व्यूअर को ये वीडियो मिला है जो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर जिनके सामने ट्विन फ्लेम्स के वीडियोज आ रहे हैं, शिव शक्ति के, राम जी, माता सीता और राधा रानी, भगवान कृष्ण के, अगर अगर वीडियोज आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स वर्ड आ रहा है, तो ये वीडियो और उसके साथ में आपको ये वीडियो भी मिला है, तो जरूर आप कोई ऐसी फेमिनिन है जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आ गई हैं, और इसी वजह से आपका ट्विन आपकी जिंदगी में आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ फेमिनिन्स की ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने वाली भी एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनका आपसे सामना होगा, उसके बाद में यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स के बाद में टू ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन होना, मतलब जगलिंग शुरू हो जाएगी, जद्दोजहद शुरू हो जाएगी, बैलेंस बनाने की कोशिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही सोल हो, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स यानी इनफाइनाइट का साइन है, दोनों एक ही सोल हो, और उसका क्लैरिफिकेशन एट ऑफ सोर्ड होना, यानी एक दूसरे में बंध जाओगे, लेकिन 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 समझ नहीं पाओगे कि ये क्या है, ये क्यों इतना खिंचाव हो रहा है, कितना क्यों हम इतना एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। जब ये फील करोगे कि आखिर क्यों इतना खींच रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी सोल में अपने 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 आप से पूछोगे और अंदर जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी ट्विन जर्नी शुरू हो जाएगी, फिर अवेकनिंग होगी, फिर फर्दर जो प्रोसेस होते हैं डिवाइन के वो सब होंगे। तो मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ ऐसे फेमिनिन भी हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो डिवाइन फेमिनिन है, इसीलिए उनकी जिंदगी में ट्विन आ रहा है। ये वीडियो जरूर कि नहीं ऐसी फेमिनिन को मिला है जो सच में फेमिनिन है, उनके उनके मैस्कुलिन से उनका सामना होने वाला है, और वो इसलिए सामना होने वाला है कि उनकी जिंदगी में आने से वो आपको पुश करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आप उनको ट्रिगर करेंगे, दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। ये एक एक ग्रुप ऑफ फेमिनिन के लिए है जो न्यू जिनको अभी पता ही नहीं है अपने ट्विन जर्नी के बारे में, और जिनको पता है जो अवेकन हो चुके हैं, तो उनका उनके लिए भी ये मैसेज है जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके ट्विन आपके आसपास ला दिए गए, आपके आसपास पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो विजिट होगी, इस विजिट के बाद आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर भी कर सकते हो, और साथ में आपके इस यूनियन पे, आपकी इस विजिट पे नेगेटिव एनर्जीज की नजर रह रही है, वो कोशिश करेंगे कि एक बार आप मिल गए अब दोबारा ना मिलो, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। नेगेटिव एनर्जी कभी कामयाब हो ही नहीं सकती है, अपने अपने काम करती रहती है, क्योंकि बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ सकता, लेकिन कामयाब नहीं होने वाली। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्पीड अप होने वाली है, जिन डिवाइन फेमिनिन को पता नहीं है, उनके ट्विन उनके सामने आने वाले हैं, सामने आके ट्रिगर शुरू होने वाले हैं, और जिनको पता है उनकी इस विजिट के बाद से और ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने जो यहाँ थोड़ी सी वार्निंग दी है, यहाँ जो वार्निंग मैसेज आया है कि आपको मारक मंत्र करते रहना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं मैटर नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो मैं फील कर पा रही हूँ ऐसी फैमिली को मिला है जिनके बारे में जिनको नहीं पता है ट्विन जर्नी के बारे में, तो प्लीज आपको अगर ये वीडियो मिला है, अगर आपको ये वीडियो मिला है, तो डिवाइन का ये मैसेज है कि आप मारक मंत्र करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में भगवान नरसिंह, हनुमान जी और माँ काली का मारक मंत्र दिया हुआ है, आप वो मारक मंत्र वहां से लर्न कर लें, उसको करना शुरू करें, क्योंकि मुझे स्ट्रांग इंडिकेशन आ रहा है, स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है मुझे कि आपको मारक मंत्र कराने के लिए ये वीडियो बनाया गया है, डिवाइन ने ये वीडियो दिया है। किसी कोई है जो अब जो आगे जरूरत आगे जो आपके जो अवेकन है, जिनकी इस विजिट से और ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, उनको भी मारक मंत्र की जरूरत पड़ेगी, और जो उनको अभी पता ही नहीं है कि वो ट्विन है, तो उनको भी मारक मंत्र की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये मारक मंत्र आपकी जर्नी को और स्पीड अप कर सकें, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, आपकी जर्नी को ब्लॉक करने की कोशिश करें, ट्विन से यूनाइट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज पे मारक मंत्र जरूरी है।
स्पेशली ये वीडियो आपको मारक मंत्र करने का मैसेज दे रहा है। तो ये जो एक एक जो वार्निंग आई है एट ऑफ सोर्स की, कि सिक्स ऑफ वैंड्स की क्लैरिफिकेशन में टू ऑफ पेंटिकल और फिर वहां पे एट ऑफ सोर्स का आना, यानी सब कुछ बैलेंस बनाने के बाद भी एक स्टक एनर्जी में जाना, तो वो जो स्टक एनर्जी है वो कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी पहले से, या तो आप पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है वो स्टोर है आपकी सोल में, वो मेमोरी स्टोर स्टोर है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज हो जाएंगे, साथ में आप जप कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से रिलीज तो होते हैं और जब मारक मंत्र आपको करना है उसके बाद में इसका क्लैरिफिकेशन द हर्मिट है, तो जबरदस्त अवेकनिंग होगी, मतलब सोल के डेप्थ में उतरते चले जाओगे, क्योंकि एट ऑफ सोर्स जरूर है लेकिन उसके बाद भी मैंने क्लैरिफिकेशन लिया तो वो हर्मिट आया है, यानी जो अब ट्रिगर जो स्टक एनर्जी में आप जाओगे, जहां आप ठहरोगे, जहां आप बंद जाओगे, आपको नहीं कुछ समझ आएगा, लगेगा कि बस माइंड अब ब्लॉक हो गया है, बस जैसे ये माइंड ब्लॉक होगा वैसे ही सोल में उतरोगे, क्योंकि जब माइंड ब्लॉक होता है ना तब सोल की आवाज सुनाई देती है, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, तो फिर सोल में जाते हैं, फिर सोल से आंसर मिलते हैं, सोल निकाल पाता है उस एनर्जी से। तो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज्यादा दिख रही है और ये आपके ट्विन की विजिट से स्पीड अप होने वाली है, ट्विन जिनको मिलेगा उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी, ट्विन अगर विजिट पहले मिल चुके हैं अब इस पीरियड से स्पीड अप हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है फाइव ऑफ वेंड्स एंड उसका क्लैरिफिकेशन एट ऑफ वेंड्स। तो आपकी लाइफ में ट्विन जो आ रहे हैं, किसी किसी की लाइफ में ट्विन हो सकता है फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपकी जिंदगी में, फिर आपको बाद में पता चले यार ये तो मेरा ट्विन है, और जिसकी में आना जाना लगा रहा है ट्विन का, तो इस विजिट के बाद में एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जो कि मैंने आपको बोला एट ऑफ सोर्स भी है और फाइव ऑफ वेंड्स भी आया है, यानी स्टक एनर्जी भी रहेगी और स्टक एनर्जी से निकलने की भी आप कोशिश करेंगे, फाइट करेंगे, और निकलने की कोशिश क्या करेंगे, आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे, क्योंकि द हॉर्मेट का कार्ड है यहाँ पे, अपने आत्मा में पूछेंगे, भगवान से प्रे करेंगे, हे ईश्वर मुझे निकालिए, हे ईश्वर मुझे तेरी माया में नहीं रहना, तेरी माया बहुत रुलाती है, इस तरीके की बातें आप कर सकते हो ईश्वर से कि हे ईश्वर अब मुझे नहीं चाहिए माया, माया मुझे मायापति चाहिए, क्योंकि आपने दुनिया की खाक छाल ली है, वो नहीं मिला आपको जो आप पाना चाहते थे, तो आप कह रहे भगवान मुझे नहीं चाहिए, तुम मिल जाओ, ऐसी तो कृपा करो, तुम तो कृपालु हो, तुम तो दयालु हो, तुम तो सबसे प्रेम करते हो, तुम्हारी माया नहीं मिलती है सबको, मुझे नहीं मिली लेकिन तुम तो मिल जाते हो, तुम्हारी माया से अलग हो ना, माया रुलाती, तुम तो नहीं रुलाते ना, तुम तो आंसू पोंछते हो ना सबके, तो तुम मिल जाओ मुझे, कुछ इस तरीके की प्रे आपको करनी पड़ेगी, और अगर नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो को देखकर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रे जब आंसुओं से निकलती है ना, आंसू आंखों में हो और दिल से ये प्रे निकल रही हो, तब ये सीधा पहुंचती है ईश्वर तक, और ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारी सोल में है। तो ये यहाँ पे जो ट्विन का कॉन्सेप्ट आया, जो आपके पर्सन में पता नहीं क्यों जुबान से ट्विन ट्विन ही निकला जा रहा है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए और ये सोलमेट जर्नी के लिए भी हो सकता है, बट जो भी है जिसके लिए भी वीडियो है, आपको पता हो या ना पता हो, जिसके लिए भी वीडियो है, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपके पर्सन और आप एक दूसरे को ट्रिगर करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जाओगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर जाओगे, यूनियन तो यहाँ है लेकिन यूनाइट होके भी एक दूसरे को पुश करोगे, अभी आप लोगों के बीच में ट्रिगर्स का दौर खत्म नहीं हुआ है, आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करोगे और वो ट्रिगर सिर्फ इसलिए होंगे ताकि आप में जो जो ब्लॉकेज होंगे उसके लिए आपके आपके पर्सन आपको ट्रिगर करेंगे, और आपके पर्सन में जो ब्लॉकेज होंगे उनके लिए आप उनको ट्रिगर करोगे, और ये डिवाइन का प्लान है, क्योंकि फाइव ऑफ वेंड्स का क्लैरिफिकेशन एट ऑफ वेंड्स से आया है, डिवाइन एनर्जी आ रही है, ईश्वर की कृपा, आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हो, अगर रो रहे हो, पुकार रहे हो ईश्वर को, ईश्वर से कह रहे हो कि हे ईश्वर अब तो सुनो, कब सुनो, जिस जो आर्त तो पुकार आपकी दिल से निकल रही है वो ईश्वर सुन रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी होती है कि भले ही उसका ट्विन उसकी जिंदगी में ना आया हो, तो अनजाने में ही वो किसी जेनुइन पर्सन को मांगती है कि ईश्वर ऐसा पर्सन दो मेरी जिंदगी में जो सिर्फ मेरा हो, जो मेरे लिए जेनुइन हो, जो मुझे समझे, तो ईश्वर फिर उसके ट्विन उसकी जिंदगी में लाते हैं, डीएफ अनजाने में भी अपने ट्विन को मांगती है, तो वही आपके साथ हो रहा है, हो सकता है आप ईश्वर से मांग रहे हो कि हे ईश्वर मुझे कोई ऐसा पर्सन दो, कोई ऐसा पर्सन दो जो मुझे समझ सके, तो वो पर्सन आपका ट्विन है, वो आपकी जिंदगी में आ रहा है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जो आप कह रहे हो ना वो ईश्वर करने वाले हैं, और जब वो सामने आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ एक हाई लेवल की कहानी शुरू हो गई है, डिवाइन ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है आपके साथ, तो डिवाइन ने जो गेम खेला है वो क्यों खेला है, क्योंकि इस गेम के बाद में आपको मुक्ति मिल जानी है, यानी मुक्ति के पाथ पे आप आ रहे हो, आप डिवोशन के पाथ पे जा रहे हो, तो डिवाइन का जो गेम होता है, जो लीला होती है, वो बहुत प्यारी होती है, तो आपके साथ एक बहुत प्यारी लीला होने वाली है, लेकिन सामने से देखने में आपको ये प्यारी सी लीला नहीं लगेगी, आपको ये लगेगा ये क्या हो रहा है, ये पर्सन मिला ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें ये खराबी है, ये मुझे इस तरीके से बोल रहा है, इसने मेरी ये इंसल्ट कर दी, इसने मुझसे ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, मैं तो इसको इसको इतना
प्यार देती हूँ मैं, इसकी इतनी केयर करती हूँ और इसको मेरी परवाह ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें आप लोगों के साथ होने वाली है। मैं सिर्फ इसलिए हंस रही हूँ कि जब तक डीएफ कम्प्लीटली बैलेंस नहीं होती, तब तक उसे ये तो सारी चीजें पता नहीं होती, अब कम्प्लीटली अवेकन नहीं होती, तब तक उसको यही सब लगता रहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो जब आपकी अवेकनिंग होगी, ये वीडियो अगर मिला है तो जरूर बहुत बड़ा कोई मैसेज आपके लिए है, किसी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, तब आपको समझ आए। ये तो आप जो कुछ मैं यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से डिवाइन जो बोल रहे हैं, या तो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, आपका पर्सन आपके साथ कुछ ऐसे ऐसी चीजें कर रहा है, तो वो मतलब आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, और आप कांटेक्ट करो झड़क देता होगा आपको। तो आपको लग रहा है ये बंदा ऐसे कैसे हो सकता है, ये कितना अच्छा बंदा था और अब ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बदल सकता है। तो वो आप ही हो, आपको उसको ट्रिगर करना है, उसको आपको ट्रिगर करना है, बस ये गेम चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी गेम के, ये ट्रिगर वाला गेम से आप लोग मिलोगे भी और ट्रिगर भी करोगे। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीट यूनियन नहीं है, अभी मिलोगे एक एक वो जो होता है लर्निंग का टाइम, क्लास में अभी ये मान लीजिए कि अभी एग्जाम का टाइम नहीं आया और रिजल्ट का टाइम नहीं आया, अभी तो क्लास में लर्निंग का टाइम है। तो क्लास में आप बैठे हुए हो, अब आपका ट्वीन अभी आपको टीज करेगा, आप उसको टीज करोगे, फिर समझ आएगा, फिर टीचर आके बोलेगा अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, सेम क्लास में हो, एक दूसरे को कॉपरेट करो, एक दूसरे के नोट्स लो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। तब आपको समझ में आएगा ओ माई गॉड, ये तो हम एक ही सोल थे। इसलिए मैं हंस रही हूँ क्योंकि एक एक प्यारा सा गेम आपके साथ होने वाला है आपकी लर्निंग के लिए। तो एक्टिविटी से बच्चों को सिखाया जाता है, तो आप बच्चे हो डिवाइन के, सभी बच्चे होते हैं, तो आपको इस तरीके से सिखाया जा रहा है। और देखिए एक बहुत बहुत प्यारा मैसेज जो क्लाइमेक्स है इस वीडियो का, वो क्लाइमेक्स है बॉटम ऑफ द डेक में, टेन ऑफ कप्स है, यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स भी आया है, बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ कप्स भी है। तो देखिए टेन ऑफ वैंड्स यानी बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी का कार्ड है, और वहां भी टेन आया, तो टेन टेन अगर आपको नंबर दिख रहा है, टेन टेन की अगर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो 100 और 200% ये वीडियो आपके लिए ही है, अगर आपको ये सिंक्रोनिसिटी हो रही है। क्योंकि कहाँ से वीडियो मतलब तो कहाँ से एनर्जी शुरू हुई है, क्या क्या मैं एक्सप्लेन कर गई हूँ, और बॉटम ऑफ द डेक में जाके टेन ऑफ कप्स है, यानी ये जो कुछ हो रहा है वो आप दोनों की ब्लॉकेज रिमूव करा के, दोनों को यूनाइट कराने के लिए, परमानेंट यूनाइट कराने के लिए हो रहा है। तो मैं अभी बोल रही थी कि अभी यहाँ मैं परमानेंट यूनियन को नहीं कर रही, क्योंकि अभी रनर चेजर ट्रिगर्स ये गेम चल रहा है, लेकिन इस गेम के बाद में आपका यूनियन जरूर होगा, आपका इनसे यूनियन डेस्टाइंड है, लेकिन अभी अभी काम बाकी है, आपका भी काम बाकी है, उनका भी काम बाकी है। ये यूनियन डेस्टाइन है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, कंप्लीट फैमिली का कार्ड है। तो आप अपने पर्सन के साथ ये लाइफ बिताने आए हो, जिस भी पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ हैप्पी लाइफ बिताने आए हो, लेकिन उससे पहले लर्निंग आपको लेनी है, आपसे ट्रिगर होके आपके पर्सन को लर्निंग लेनी है। तो अभी लर्निंग का गेम चल रहा है, आपकी क्लास अभी लगी हुई है, क्लास को फुली डेडिकेशन से, अपने अपने पूरी ऑनेस्टी से सारे लेक्चर सुनिए, डिवाइन जो भी आपको लेक्चर देने का मीनिंग है, जो आपको लर्निंग दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ये लर्न कीजिए, और इस लर्निंग को कंप्लीट करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट होगा, एग्जाम भी होंगे, क्योंकि रिजल्ट से पहले एग्जाम होता है। तो एग्जाम मान लीजिए टेस्ट जो आपने लर्न किया उसका तुरंत, जैसे एक टीचर कराता है ना कि एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, फिर तुरंत उसका टेस्ट ले लिया, फिर दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन किया, फिर टेस्ट ले लिया, तो ऐसे आप लर्निंग करते जाओगे, टेस्ट होते जाएंगे, फाइनली यू आर विनर, फाइनली यू आर इन यूनाइटेड। तो ये होगा, आप लोग यूनाइट होने वाले हो, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल भी इसमें इसमें हैवी एनर्जी भी आई है, स्टक एनर्जी भी आई है, सब कुछ आया है, कॉन्फ्लिक्ट भी आया, सब कुछ आया है, लेकिन मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि ट्विन जर्नी ऐसी ही मस्त मौला जर्नी है, इसमें गिरते पड़ते रहते हैं। एक बच्चा होता है कि जब चलना सीख रहा है तो गिर पड़ता है, लेकिन उसे अच्छा बहुत लगता है। जब बच्चा नया नया चलना सीखता है तो उसे चलना अच्छा बहुत लगता है, तो वो गिरता है फिर उठ जाता है, क्योंकि वो इंजॉय, वो हैप्पीनेस मिल गई ना कि खड़े होकर चलने में कितना आनंद आता है, तो वो गिरता है फिर खड़ा हो जाता है, गिरता है फिर खड़ा होता है फिर चलता है। तो यही आपके साथ हो रहा है कि ये ट्विन जर्नी इतनी खूबसूरत जर्नी है, इसमें आप इतने ज्यादा इसको एंजॉय करोगे कि कितना भी ट्रिगर मिले, ट्विन कितना भी ट्रिगर दे, आप उसे कितना भी ट्रिगर दो, लड़ोगे झगड़ोगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से यूनाइट रहोगे, एक दूसरे को लर्निंग देके फाइनली आप लोग यूनाइट जरूर 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 होगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा,
मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है, तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।